आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, यानी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पहले पूछा जा चुका हो, चाहे वह 2016 का हो, 2018 का हो या और भी किसी ईयर का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, यानी एमसीक्यू टाइप का करेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, आगे मेटल के बारे में शायद पहले बताया गया है कि एक मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, जो कि हमारा मरकरी रहता है। और नॉन मेटल जो है वो हमारा कौन रहता है, ब्रोमियम। ठीक है, चलिए पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो। फिर आगे करते हैं, नेम अ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब कह रहा है एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो कि बेस्ट कंडक्टर होगा हीट का, यानी कि हीट को वो इजिली ट्रांसफर आसानी से कर सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है। तो पहला तो सिल्वर, और अगर सिल्वर नहीं लिखते हैं तो कॉपर भी अगर लिखा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड विच आर ऑफ एक्सट्रीम यूज ऑफ ज्वेलर्स। अब कह रहा है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो गोल्ड का उपयोग क्यों करते हैं, आखिर कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण गोल्ड को यूज करते हैं ज्वेलरी सब बनाने में। ठीक है, तो पहला तो एक लस्टरस होगा। लस्टरस क्यों होगा, लस्टरस मींस शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, यानी चमकदार होता है इसलिए। और दूसरा क्या, मैलिएबल, ठीक है, यानी मैलिएबल हमारा क्या, उसे बीट करके हम किसी थीन सीट में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम उसे बीट करें, जब हम उसे पीटते हैं तो वो एक पतले से थीन के रूप में चेंज हो जाता है, इसलिए भी यूज करते हैं। लेकिन बाकी अगर नॉन मेटल का यूज करते हैं तो नॉन मेटल क्या होता है, जब उसे बीट किया जाएगा तो वो टूट जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, नेम द मेटल विच आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन मेल्ट विद द हीट ऑफ पाम। यानी कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और अगर हम उसे अपने हथेली पर रखें तो वो क्या हो, पिघल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा क्या, गैलियम होगा। याद रखिएगा कि गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, और जब हम उसे हथेली पर रखते हैं तो वो आसानी से पिघल जाता है। उसके बाद कह रहा है, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आखिर कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, या उसका ऑक्साइड, यानी कि उस एलिमेंट के ऑक्साइड को जब हम लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो पहले दो ऑक्साइड था, एक मेटल ऑक्साइड और एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में क्या होता था, वो बेसिक होता था, और हम लोग जानते हैं क्या है, जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, यानी कि यहाँ जो एलिमेंट है वो हमारा मेटल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाता है रेड लिटमस की जगह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो तब हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट हमारा नॉन मेटल होता है, क्योंकि नॉन मेटल हमारा एसिडिक होता है और इसलिए वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजली रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। यानी जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सा ऐसा गैस है जो कि रिलीज होता है। तो ये तो क्लियर है, ये तो पहले से आप सभी को पता होगा, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वन नंबर क्वेश्चन में ये सब पूछा जा सकता है। आगे, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्टरस। अब कोई ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि क्या होता है, हमारा लस्टरस होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है आयोडीन। लस्टरस मींस पता ही होगा आप सबको, चमकदार, शाइनी। ठीक है, नेम अ मेटल विच इज एलॉयड विथ कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज। यानी कॉपर में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो कि वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी चेंज होता है इसमें ब्रॉन्ज में, यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए दो चीजों का उपयोग किया जाता है, एक कॉपर, और कॉपर के साथ क्या यूज किया जाता है, टिन का। ठीक है, चलिए टोटल 8 थे हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर? व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स Sometimes when exposed to air, when exposed चलिए तो सबसे पहले कि क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि अगर हम कुछ समय तक, यानी कुछ दिन अगर हम सिल्वर को, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में रख लेते हैं तो आखिर वो ब्लैक क्यों हो जाता है। डेली लाइफ में भी हम चीजें यूज करते हैं, जैसे हमारा पायल हुआ जो कि लड़कियां लोग पहनती है, या बच्चे लोग के हाथों में देखिएगा तो होता क्या है, नॉर्मली जब हम उसे खरीदते हैं तो वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, ठीक है, और कुछ दिन बाद क्या होता है, वो उसमें ब्लैकेस्ट लेयर आ जाता है, यानी वो जितना शाइनी पहले था वो अब नहीं होकर उससे क्या होता है, थोड़ा कालापन आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विथ एटमोस्फियरिक एयर, एयर एंड गेट एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, यानी कि दिया हुआ यही है कि इसका मेन रीजन यही है कि जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक एयर से और क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, कुछ दिन में ब्लैकिश हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर नॉन मेटल्स आर नॉट, व्हाई? मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर नॉन मेटल्स आर नॉट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसका रीजन बताना है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों? तो मेटल्स के पास क्या होता है, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, यानी कि इसका मेन रीजन ये है कि मेटल्स के पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो फ्रीली होते हैं, जो कि आसानी से मूव कर पाते हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल के पास ऐसा नहीं होता है इसलिए वे नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब मेटल, चलिए ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थाउजेंड सिक्सटीन का है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब मेटल एक्स कंबाइंस विथ नॉन मेटल वाई विथ नॉन मेटल
ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड चार्ज, टू फॉर्म अ कंपाउंड चार्ज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड चार्ज। नंबर टू है हमारा क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जेल, मेल्टिंग ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विल दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन केरोसिन, will this compound dissolve in petrol, लेके चलते हैं, ठीक है, केरोसिन भी लिख सकते थे। नंबर फोर्थ है, will this compound have be a good conductor, is will this compound कंडक्टर। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है अ मेटल एक्स कंबाइंड विद नॉन मेटल वाई, यानी कि एक मेटल एक्स है हमारे पास, दूसरा एक नॉन मेटल है जो कि हमारा वाई है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका कि नाम जेड है। सबसे पहले ये मैं बता चुकी हूं पहले भी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ये हम बता चुकी हूं क्या है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, आगे क्या है, यहां पे दिया गया है स्टेट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अगर आयोनिक कंपाउंड बना है ठीक है तो हमारा बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग यानी इलेक्ट्रॉन आयोनिक कंपाउंड के बारे में ये पहले बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो आयोनिक कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बना होगा, यानी वैसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बनाया जाता है, यानी ट्रांसफर होने के बाद बनता है, वो हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा बॉन्ड होगा, तो आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, पहला का आंसर हो गया। आगे सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी बताया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड में कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, लार्ज होता है। फिर दिया है थर्ड नंबर, थर्ड में दिया विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन पेट्रोल, सॉल्युबिलिटी में बताया गया था, क्या बताया गया था कि ये सिर्फ वाटर के साथ ही डिसॉल्व होता है, बाकी अदर किसी भी सॉल्वेंट के साथ यानी पेट्रोल हुआ केरोसिन हुआ इन सभी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। विल दिस कंपाउंड गुड कंडक्टर, तो ये भी बताया गया है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में, तो ये हमारा यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है, एक्स वाई जेड इन सभी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हमें देखना था कि मेटल था हमारा, मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट किया, एक कंपाउंड बना, और हम लोग जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, या इतना भी अगर नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है List two properties of sodium in which it differ from general physical properties of most metal. Thank you.
चलिए तो क्वेश्चन में हमारा है क्या, तीन कोई सॉरी टू लिख देते हैं यहाँ पे, टू थ्री कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है। तो नॉर्मली अभी पहले टू के बारे में ही जान लेते हैं। सोडियम, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाय विच इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट मेटल। नॉर्मली जो मेटल होता है वो क्या क्या होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, लस्टरस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ठीक है, और सॉलिड स्टेट में होता है। अब कह रहा है दो ऐसा प्रॉपर्टी बताना है जिसमें क्या होगा, जो सोडियम है वो अदर मेटल से डिफरेंट होगा ठीक है। तो सबसे पहला कि इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अदर मेटल को देखा जाए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है। फिर दूसरा दूसरा मेन एग्जाम्पल, दूसरा क्या है मेन प्रॉपर्टी, कि जो सोडियम होता है वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, इट कैन बी कट बाय नाइफ, यानी कि अदर अगर मेटल को लिया जाए, जैसे आयरन को लेकर चलते हैं ठीक है, आयरन नॉर्मली हम क्या चाकू से काट नहीं सकते हैं, लेकिन सोडियम इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उसे किसी भी नाइफ के द्वारा काटा जा सकता है ठीक है। यानी ये दो ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे क्या होता है, सोडियम अदर मेटल से डिफरेंट होता है ठीक है। चलिए और कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इज लेस देन आयरन। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, लेकिन फिर भी आयरन जो होता है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है उसका या कोरोजन हो जाता है। ऐसा क्यों, अगर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो कोरोजन उसका जल्दी होना चाहिए लेकिन उसका नहीं होकर आयरन का होता है, ऐसा क्यों? तो एल्यूमिनियम पर एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर। एल्यूमिनियम हैव स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर, सो यानी कि एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर पहले से होता है ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसके कारण वो जल्दी क्या होता है, उसका जल्दी कोरोजन नहीं हो पाता है और आयरन का जल्दी हो जाता है ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन कराया जाएगा ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगी कि और क्वेश्चन मैं लाऊं ठीक है। थैंक यू।